मिस्टर बहजाद, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, ये तीनों सेगमेंट्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पर हम स्पेस सेगमेंट के अंदर जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं जीपीएस सैटेलाइट्स की। तो बेटा, ये जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस के अंदर होती हैं, ये क्या करती हैं? ये जीपीएस सिग्नल भेजती हैं मास्टर स्टेशन को, ठीक है बेटा। और ये जीपीएस सैटेलाइट्स जो हैं सिग्नल भेजती हैं मॉनिटर स्टेशंस को, और ये जीपीएस सैटेलाइट्स जो हैं ये सिग्नल भेजती हैं यूजर सेगमेंट को। और बेटे, यहाँ पर ये जो मॉनिटर स्टेशंस होते हैं जमीन के ऊपर, इनका काम ये होता है कि ये ऑब्जर्व करती हैं और ये मॉनिटर कर रही होती हैं सैटेलाइट्स को जो कि स्पेस में होती हैं। और ये सैटेलाइट्स जो हैं जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा होता है मॉनिटर स्टेशंस के जरिए से। और बेटा, मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जब सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन में कोई खराबी पैदा होती है, आपको पता है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन क्या होती है। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के अंदर कम अज कम 24 सैटेलाइट्स का होना जरूरी होता है जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली हार्मनी के साथ काम कर रही होती हैं और एक दूसरे को कंट्रोल सिग्नल्स भेज रही होती हैं। और इन कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर तमाम जीपीएस सैटेलाइट्स एक दूसरे को अपनी ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही होती हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही होती हैं, अपने क्लॉक टाइम को शेयर कर रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रही होती हैं। ये जीपीएस सैटेलाइट्स यानी कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रही होती हैं ताकि जीपीएस का जो वर्क है वो कामयाब हो सके। तो बेटा, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के अंदर 24 सैटेलाइट्स नहीं होती हैं, यानी ज्योमेट्री ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट जो है वो 24 सैटेलाइट्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं होती है और कोई एक सैटेलाइट जो है वो कम होती है, यानी 23 सैटेलाइट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ काम कर रही होती हैं और एक सैटेलाइट की यहाँ पर कमी वाकया होती है, तो फिर क्या होता है कि ये जो मॉनिटर स्टेशन जो हैं इस चीज का मुशाहिदा करते हैं कि सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के अंदर कोई खराबी तो नहीं हो रही या किसी सैटेलाइट की जो है पोजीशन सही नहीं है या कोई खराबी है, तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है जो इसने मॉनिटर की होती है मॉनिटर स्टेशन ने, वो पास ऑन कर देते हैं मास्टर स्टेशन को। जैसे कि यहां से आपको एरो नजर आए हैं कि मॉनिटर स्टेशन से जो इंफॉर्मेशन है वो मास्टर स्टेशन की तरफ जाती है कि भाई सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के अंदर कोई खराबी है, कोई एक सैटेलाइट की कमी है या कुछ इन सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन के अंदर कोई खराबी है, तो कोई सही ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है मॉनिटर स्टेशन जो है मास्टर स्टेशन को पास ऑन कर देते हैं। और फिर मास्टर स्टेशन का क्या काम होता है, मास्टर स्टेशन जो है कंट्रोल सिग्नल भेजता है इन जीपीएस सैटेलाइट्स को ताकि ये जो ज्योमेट्री है जो 24 सैटेलाइट्स की जीपीएस सैटेलाइट्स की वो मुमकिन हो सके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं कोई ऑर्बिटल पोजीशन किसी सैटेलाइट की है उसको सेट करना है, तो मास्टर स्टेशन जो है वो कंट्रोल सिग्नल भेजता है। जैसे कि आपको ग्रीन लाइन से ये सिग्नल आपको नजर आ रहा है कि मास्टर स्टेशन क्या कर रहा होता है बेटा, कंट्रोल सिग्नल्स भेज रहा होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि भी अपनी पोजीशन को सेट कर लें और जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सेंड कर देता है। इसके अलावा जो है मास्टर स्टेशन का एक और काम भी है। मिस्टर बहजाद, क्या आप यहां पर देख रहे हैं?
बेटे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मास्टर स्टेशन है, जहां पर ये मास्टर स्टेशन लिखा हुआ है, इसके साथ में मास्टर स्टेशन से राइट साइड की तरफ यहां से आप देखेंगे कुछ सिग्नल्स जो हैं वो जा रहे हैं ग्राउंड एंटीनास की तरफ। आप देख रहे हैं बेटा ग्रीन रे की शक्ल में। यस सर। जब मास्टर स्टेशन जो है ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है कि भाई स्पेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट्स की, ये ग्राउंड एंटीनास क्या करते हैं बेटा, सैटेलाइट्स के साथ जो है कनेक्शन बनाते हैं, उनको कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो सेंड कर देते हैं। जो ग्राउंड एंटीनास जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वो एक्चुअली कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, वो इन ग्राउंड एंटीनास की जो एक्चुअल पोजीशन होती है जमीन के ऊपर ये सेंड कर रहे होते हैं कि भाई हमारी ये पोजीशन है, हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो ये है। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग? ग्राउंड एंटीनास जो है ये अपनी इंफॉर्मेशन जो सेंड करते हैं कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर, वो अपनी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को सेंड कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय डियर? यस सर।